वॉट अ रोलर कोस्टर। हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी जान बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या किसी का खून, मर्डर या अपनी आपकी जान दे सकते हैं, ये सब सवालों के साथ कोई और टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब देने का काम करता है ब्रीद इन टू द शैडोज। हे गाइज, इट्स प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो कल रात को Amazon Prime पे रिलीज हुआ ब्रीद इन टू द शैडोज। तो ये करीब 12 एपिसोड्स की वेब सीरीज है और हर एक एपिसोड 45 टू 50 मिनट्स लंबा है। आई नो ये काफी ज्यादा लगता है, मतलब टोटल 9 घंटे आपको खर्च करने पड़े। एंड अभिषेक बच्चन इज एन अमेजिंग एक्टर। ब्रीद इन टू द शैडोज में उन्होंने लिटरली पूरी वेब सीरीज को अपने कंधे पे संभाला है, एक बेबी की तरह फर्स्ट एपिसोड से 12th एपिसोड तक लेके गए हैं। अभिषेक बच्चन यानी अविनाश के कैरेक्टर को इतने सारे लेयर्स थे और हर एक जगह अभिषेक बच्चन वॉज लाइक बैंग ऑन। इतनी इंप्रेसिव एक्टिंग की है उन्होंने, लाइक लिटरली ही वॉज टू गुड। तो कहानी है अविनाश और आभा की। अविनाश होते हैं एक साइकियाट्रिस्ट जो यूजली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, दिल्ली पुलिस को, और आभा जो होती है वो एक शेफ होती है। उनकी बेटी होती है सिया जो 6 साल की होती है और अचानक एक दिन वो किडनैप हो जाती है उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से। अब 9 महीने तक उसके बारे में कोई खबर किसी को नहीं होती और अचानक एक दिन एक क्लू आ जाता है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, सिया के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ होता है और किडनैपर कौन है और उसका मोटिव क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। और ये वेब सीरीज ना एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। लास्ट एपिसोड के बाद आप इतने सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि आपके सामने एक फुल पिक्चर एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब सामने आएगा एंड यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। जो स्टोरी है, कहानी है, राइटिंग है, बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आप वेब सीरीज के अंदर चलते जाओगे वैसे वैसे लेयर बाय लेयर एक एक चीज आपको पता चलती जाएगी एंड यू विल बी होप्ड। अभिषेक बच्चन तो बहुत अच्छे थे ही, नित्या मेनन वाज आल्सो वेरी गुड इन हर पार्ट। मतलब उन्होंने एक माँ का रोल जो अपनी बेटी के लिए कोई भी एक्सटेंट तक जा सकती है बहुत बहुत सेंसिटिवली और बहुत अच्छे से निभाया है। अमित साध, ऋषिकेश जोशी, संयमी खेर और इन्होंने भी अपने पार्ट को अच्छा प्ले किया है, दो संयमी खेर को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है। अब वेब सीरीज की जो जान है यानी जो सस्पेंस रिवील होता है वो 5th एपिसोड के एंड में और 6th एपिसोड में खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद के एपिसोड में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट दिखाया है और पास्ट लाइफ का पार्ट दिखाया है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसके बाद ना शायद बाकी के एपिसोड थोड़े बोरिंग या स्लो लग सकते हैं, लेकिन एक पूरी पिक्चर बनने के लिए अपने माइंड में सारे एपिसोड्स एकदम परफेक्ट लगते हैं। अटेंशन टू डिटेल बहुत अमेजिंग है और एकदम बारीकी से स्क्रिप्ट की गई है और उसके वजह से कोई भी चीज आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगती और हर एक चीज का एकदम परफेक्ट जवाब आपको परफेक्ट टाइम पे मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वेब सीरीज में आप इन्वेस्टेड रहोगे बिकॉज इस वेब सीरीज में इमोशनल टच बहुत अच्छे से दिया गया है। आई मीन इमेजिन ऐसे दो पेरेंट्स जो इस 6 साल की बच्ची खोते हैं एज इन 6 साल की बच्ची जिनकी गुम जाती है और 9 महीने तक उनको कोई पता नहीं, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, ये सब देखने के वजह से हम लोग एकदम इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। और सबने इतना अच्छे से पार्ट प्ले किया है, कोई भी एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं लगता, कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है नहीं लगता, सब एकदम रियल एक्टिंग कर रहे हैं, सब रियल चल रहा है ऐसा लगता है। ओनली पार्ट जो ये वेब सीरीज का मुझे नहीं पसंद आया, 12 एपिसोड्स, आई मीन 9 घंटे निकालना बहुत ज्यादा टाइम होता है। 9-10 एपिसोड्स में भी शायद खत्म हो सकती थी, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, लाइक एक रोलर कोस्टर था, इमोशनल जर्नी थी। तो मैंने तो ये ब्रीद इन टू द शैडोज काफी एंजॉय किया एंड आई एम श्योर अगर आपके पास 9 घंटे है तो आप भी इसको एंजॉय करने वाले हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन ब्रीद इन टू द शैडोज, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ब्रीद का फर्स्ट आर माधवन का भी देखा होगा वेब सीरीज तो उसके बारे में बताना, वो ज्यादा पसंद आई है ये। मेरे हिसाब से दोनों इंडिविजुअली अपने वे में काफी अच्छे थे तो मुझे दोनों एट पार लगे। बाय एंड टेक केयर।